मेरी डॉटर 1 ईयर की है और मैं उसको पॉटी ट्रेन कर रही हूँ. 80% पॉटी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है. तो मैं आपके साथ में बताने वाली हूँ कि 1 साल से छोटे बच्चों को आप कैसे पॉटी ट्रेन कर सकते हैं और ऑलमोस्ट 1 वीक में ही आप उसको अच्छे से ये ट्रेन कर सकते हैं कि उसको डायपर ना यूज़ करना पड़े. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू मॉम किड एक्सप्रेस. इस वीडियो में ये बताने के साथ साथ कि आपको बच्चे को कैसे पॉटी ट्रेन करना है, उसके साथ साथ मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की भी आंसर दूंगी जो बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट्स रहते हैं. पहले ये चीज़ कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि हमें अपने बच्चे को कब पॉटी ट्रेन स्टार्ट करना चाहिए. सो देखिए, ये टोटली डिफरेंट होता है. हर बच्चे का एक अलग टाइम फ्रेम होता है, बट स्टिल एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जो कि है 1 साल से छोटे बच्चे को आप सिखा सकते हो या फिर 1 से 2 साल के बच्चों को आपको सिखा सकते हो. 2 से 3 साल तक के बच्चों को आपको कम्प्लीटली डायपर फ्री कर देना चाहिए. इवन आपको रात को भी डायपर यूज़ नहीं करना चाहिए. उसके बाद भी अगर आपके बच्चे को 3 साल से ऊपर भी अगर आपको डायपर यूज़ करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए. आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को डायपर फ्री कर दें. लेकिन अगर आपकी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी अगर बच्चा डायपर फ्री नहीं हो पा रहा तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए. अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, वो ये होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमें अपने बच्चे को कौन से टाइम फ्रेम में पॉटी ट्रेन करना है. मतलब कि 1 साल से पहले करना है या 1 से 2 या 2 से 3, हमें कैसे आइडिया लगेगा. सो बच्चे जो होते हैं वो आपको इंडिकेशंस देते हैं क्योंकि वो प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं. इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि वो कब तैयार है पॉटी ट्रेनिंग के लिए. सो आप इनमें से जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप कुछ ट्राई करके देखिए. अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बच्चे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो राइट एज नहीं है. आप थोड़ा सा पॉज लेकर के थोड़े टाइम बाद फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करना, ये एक इंडिकेशन होता है. दूसरा एक ये इंडिकेशन होता है कि कई बार आप देख रहे हो कि बच्चा काफ़ी लंबे टाइम तक पी या पूप नहीं कर रहा है लेकिन स्टिल उसको डायपर पहनना पड़ रहा है. तो आप वो एक टाइम नोटिस करिए कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार पी करता है, कितनी बार पूप करता है. तो आप कोशिश कीजिए कि उतने, मतलब जो उसका बीच का टाइम फ्रेम है, आप उसमें डायपर ना पहनाएं और कोशिश कीजिए बच्चे को पॉटी सीट पे ले जाने की. तीसरा एक ये इंडिकेशन होता है कि जब आपका बच्चा रात में पी करने की फ्रिक्वेंसी उसका धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे के बाउल मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होने लगते हैं, बच्चे पी और पूप को ज़्यादा टाइम होल्ड कर पाते हैं. सो जैसे जैसे बच्चों की रात में पी करने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, वैसे ही आपको ये इंडिकेशन समझ लेना चाहिए कि अब आपके बच्चे को पॉटी ट्रेन करने का समय आ गया है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बबच्चे रात में कितना पी कर रहे हैं? सो जब बच्चे 3-4 महीने के होते हैं तब हम ये नोटिस करते हैं कि हमें बच्चों का डायपर जो है वो रात में 1 से 2 बार चेंज करते हैं, तो बच्चे का जो डायपर है वो बहुत जल्दी हैवी हो जाता है, बहुत जल्दी वो भर जाता है. वहीं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पी अगर वो कम कर रहे हैं, तो आप अगर उनको ऑलमोस्ट फुल नाइट के लिए भी डायपर पहना रहे हो, ऑलमोस्ट 8 आवर्स के लिए भी डायपर पहना रहे हो, जो मॉर्निंग में जब आप डायपर चेंज करेंगे तो आपको उस वक्त ये महसूस होगा कि हाँ, डायपर बहुत लाइट वेट है, बच्चे ने शायद मैक्सिमम 1 से 2 बार ही पी किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया. अगर ऐसा केस है तो आपको ये इंडिकेशन समझना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम फॉर दी पॉटी ट्रेनिंग. अब हम बात करते हैं कि आपको पॉटी ट्रेन करना कैसे है. मैं आपको वही सारे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद अप्लाई किया अपनी डॉटर के ऊपर अपने साथ में, जो कि रिजल्ट दिए हैं. मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बहुत सारे इधर उधर के टिप्स दूँ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओ. पहली चीज़, आप अपने घर पे एक तो पॉटी सीट लेकर के आइए. एक तो आती है इस टाइप की जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और दूसरी आती है इस टाइप की जो कि आप कमोड पे ही लगा सकते हो. आपका वेस्टर्न टॉयलेट है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो जिससे कि बच्चा आराम से कंफर्टेबली कर सकता है. दोनों की अपनी अपनी जगह पे कुछ कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं. सो जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉटी सीट की, तो इसमें ये अच्छा है कि बच्चे को पैर हवा में नहीं लटकाने पड़ते हैं. बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उसके पैर एकदम टिके हुए होते हैं और आराम से, जैसे मेरे पास जो है वो स्टेयरिंग वाला है तो वो स्टेयरिंग को थोड़ा ऐसे करके खेलती थी स्टार्टिंग में, तो बच्चे थोड़े से उससे एंगेज रहते हैं. इस वाले की खास बात यह कि जब बच्चे डायरेक्ट कमोड पे ही पॉटी ट्रेन करते हैं तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब आपको उसको वेस्टर्न टॉयलेट पे पॉटी करना सिखाना है. सो इस वाले पॉटी सीट की ये खास बात है. बट मैंने जो है वो ये वाला क्यों चूज किया, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने मेरी डॉटर को जो पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट किया था तब वो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के आसपास थी. तो मैं नहीं चाहती थी कि उसको काफी अनकंफर्टेबल हो ये प्रोसेस, मैं चाहती थी उसकी कंफर्टेबिलिटी के अंदर ही ये प्रोसेस हो. सो इसके लिए मैंने ये वाली पॉटी सीट सेलेक्ट की. मैंने आपको बता दिया है दोनों पॉटी सीट्स के
फ़ायदे भी और नुकसान भी, तो आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग और सो आप उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉटी सीट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको ये करना है, पहले आपको जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आपको 24 आवर्स अपने बच्चे को डायपर में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो एक महीने का ही क्यों ना हो। सो अगर आप अपने बच्चे को, सपोज कि अभी आप अपने बच्चे को 3-4 आवर्स बिना डायपर के ऑलरेडी रखते हो, तो आप उसका पहले 1-2 घंटे बढ़ाने स्टार्ट करें। अब आप कोशिश कीजिए कि अब आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे बच्चे को बिना डायपर के रखना स्टार्ट करें। वहीं अगर आप 24 आवर्स बच्चे को डायपर में रखते हैं, जो कि आपको नहीं रखना चाहिए, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए 2 आवर्स से। वो 2 आवर्स की विंडो ऐसी रखनी चाहिए जहाँ आप बच्चे को डायपर नहीं पहनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका बच्चा इस चीज़ से बहुत ही जल्दी हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपको फील होने लगेगा कि हाँ, बच्चा इस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पा रहा है, बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल है। फिर आप थोड़ी सी उस विंडो को बढ़ा दीजिए। सो जैसे जैसे बच्चा उस विंडो को फॉलो करने लगेगा, आप क्या कीजिए कि जब मॉर्निंग में बच्चे का जो नाइट का डायपर है वो हटाते हैं, उसके बाद आप बच्चे को डायपर मत पहनाइए। आप सुबह से ही बच्चे को बिना डायपर में रखिए। आप बच्चे को नॉर्मल लंगोट पहना सकते हैं, चड्डी पहना सकते हैं, पजामी पहना सकते हैं। आप इस तरह से सुबह से ही बच्चे को बिना डायपर के रखिए। आप इस चीज़ को एकदम माइंड सेट करके रखिए कि स्टार्टिंग में बहुत मैस होने वाली है, बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो पजामियाँ गीले करे। जैसे मेरे केस में अगर मैं बात करूँ, मैं पहले भी मेरी डॉटर को ऑलमोस्ट 6-8 आवर्स बिना डायपर के रखती थी। तो जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने उसको पहले ही सीधा 12 घंटे बिना डायपर के रखना स्टार्ट किया था। पहले दिन मेरी डॉटर ने मोर देन 10 पजामीज जो है वो गीली की थी, ख़राब की थी। लेकिन उससे मुझे ये आइडिया लग गया कि मेरी डॉटर किस किस टाइम पे पी करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको कब कब जाना होता है। उसके बाद में विद इन 2-3 डेज मेरे को ये आइडिया लग गया, जब वो सो के उठती है, ये ज़्यादातर बच्चों के साथ में होता है, आपके बच्चे के साथ भी आप एक बार इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। जब आप बच्चे को बिना डायपर के रखेंगे, तो आप क्या कीजिए, जैसे ही आपका बच्चा सो के उठता है, ऑलमोस्ट बच्चे दिन में छोटी छोटी 2-3 नैप लेते हैं, जैसे आपको बच्चा सो के उठता है, पजामी हटा के उसके आप सीधे उसको पॉटी सीट पे लेकर के जाइए, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा सुसु करेगा। उसके बाद में अगर बच्चा नहीं करता है, तो आप बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर लगा के दिखा सकते हैं, या फिर जैसे आपको मालूम है कि आपके बच्चे का पुप्पू का क्या टाइम है, किस टाइम पे वो ज़्यादा पॉटी जाता ही जाता है उस टाइम पे, तो आप बच्चे को पहले ही पॉटी सीट पे जाके बिठा दीजिए। और थोड़ा सा आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं श के साउंड से पुप्पू या पी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये साउंड नहीं समझ आती, मेरी डॉटर को ये साउंड नहीं समझ आती, वो खुद करने लग जाती है, खेलने लग जाती है वो, तो उसको ये नहीं समझ में आती। तो उसके सामने मुझे कैसा करना पड़ता था, जैसे कि पॉटी करते वक्त जो थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, वैसे आप करके दिखाओगे तो बच्चा फिर खुद भी वही करता है। क्योंकि बच्चे की जनरली ये होता है कि जब भी वो पुप्पू करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को थोड़ा सा जल्दी उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरे को पुप्पू करना है। अगर आप जो प्लास्टिक वाला पॉटी सीट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये वाला, तो आप उसको वॉशरूम में ही रखें, आप उसको बेडरूम में ना रखें। बहुत सारे लोग बेडरूम में ही रखते हैं, और बेडरूम में ना रखें, आप उसको वॉशरूम में ही रखें, जिससे बच्चे के दिमाग में एक ये आइडिया हो जाएगा कि भाई सुसु या पुप्पू करना होता है तो वॉशरूम में जाके करना होता है, और यहाँ पे सीट पे बैठ के करना होता है। आप हो सकता है आप बच्चे को 10 बार पॉटी सीट पे लेके जा रहे हो, 3 बार ही पी या पुपू कर रहा है, तो आपको इसमें एनकरेज करना है बच्चे को बहुत ज़्यादा शाबाशी देनी है, गुड बोलना है, बहुत बच्चे को एनकरेज करना है इस चीज़ से, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम और कोशिश करेगा। अगर आपका बच्चा 3 बार भी कर रहा है 10 बार ट्राई करने के बाद में, तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। नेक्स्ट टाइम विद इन 2-3 डेज वो 4-5 टाइम अपने आप ही आ जाएगा। वहीं अगर आपको लगता है आपका बच्चा इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अब चिढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आने लगा है इन चीज़ों पर, तो अभी आप थोड़ा पॉज लीजिए। बच्चे को आपको डांट फटकार के आप कभी कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हो, बच्चे को फन वे में ही आप सिखा सकते हो। ऑल दो बच्चे को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस है, ये एक रूटीन है, ये डेली रूटीन है, तो आपको ये जो डेली रूटीन है उसको फन में कन्वर्ट करना है, जिससे कि बच्चे को अच्छा लगे। मैं जानबूझ के ये वाली पॉटी सीट ही ली थी मैंने, जिसमें स्टेयरिंग है, थोड़ा सा कलरफुल सा था, बाकी की जो जनरली ट्रेडिशनल पॉटी सीट्स होती हैं उनमें स्टेयरिंग वगैरह नहीं, सिंपल सा होता है, तो बच्चों को जनरली उसमें कुछ ऐसा फन एक्टिविटी नहीं मिलती। दूसरा, मेरी डॉटर 8 मंथ्स की थी, तो थोड़ा ये भी था कि यहाँ से जो स्टेयरिंग है, इससे बच्चे को सपोर्ट मिल जाता था बैठने का, एक हैंडल टाइप मिल जाता है पकड़ने के लिए, तो बच्चे के गिरने वगैरह के भी चांसेस नहीं होते। आप जब भी बच्चे को पॉटी सीट पे बिठाएं, आप कभी भी उसको ऐसे ही बिठा के ना अपने काम करने लग जाएं। जब तक बच्चा वॉशरूम में है, जब तक आपका बच्चा पॉटी सीट पे बैठा हुआ है, तब तक आपको उसके सामने ही खड़े रहना है।
आपको बच्चे को पॉटी सीट पे बैठा के दूसरा काम करने लग गए, हो सकता है बच्चा फिसल जाए या गिर जाए, तो उसे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके लिए जब भी आप बच्चे को पॉटी सीट पे बिठाए, चाहे वो 2 या 3 साल का भी क्यों ना हो जाए और उसको अच्छे से पॉटी करना आ भी जाए, तब भी आपको बच्चे को उसके सामने ही खड़े रहना चाहिए। आपको ध्यान रखना कि बच्चा अंदर से डोर वगैरह ना क्लोज कर ले, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारे टिप्स के बाद में मेरी डॉटर ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिन का डायपर बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बिल्कुल नई डायपर यूज़ करती थी, अच्छे से वो सीख गई थी कि उसको कब सुसु करना है, वहाँ पे जाके उसको सुसु करना है। बस मेरे को ये ध्यान रखना होता था कि वो सो के उठती है तो तुरंत मेरे को उसको वॉशरूम लेके जाना है। 1 वीक के बाद में वो मेरे को थोड़े से साइन वगैरह देने लगी थी, जिससे मुझे आइडिया लगा। साइन जनरली कैसे होते हैं कि वो जनरली अपनी पजामी खींचने लगती है जब भी उसको सुसु या पूपू आता है। अभी वो ऐसा करती है, उसको सुसु पूपू आया है तो वो अपनी पजामी खींचती है, या फिर वो मेरे ऊपर चढ़ के आने लगती है एकदम से ज़बरदस्ती। मेरे को ऐसा करती है कि मेरे को गोदी लो जिससे कि मैं उसको पॉटी सीट तक लेके जा सकूँ। तो ये सारे साइन हैं। जब मेरी डॉटर को 1 वीक हो गया था इन सारे प्रोसेस में, तो वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम पॉटी सीट पे ही सुसु करती थी। बट ये हो जाता था कि वो दिन में 2 से 3 पजामियाँ कई बार गीली हो जाती थी, तो दैट्स टोटली फाइन। सो अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो वो दिन में एक भी पजामी गीली नहीं करती। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं अपने किसी काम में लगी हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहा, तो कभी कभार 1-2 पजामी कभी हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ वो हर वक्त पॉटी सीट पे ही अपना सुसु या पुप्पू करती है। तो बस मैं रात को उसको डायपर पहनाती हूँ, रात को भी मैं काफ़ी लेट। एक बार तो उसका जो नैप है जो रात का है वो बिना डायपर के ही जाता है। ऑलमोस्ट उसको मैं 12-1 बजे के आसपास डायपर पहनाती हूँ और मॉर्निंग में 6-7 बजे उसका हटा देती हूँ। सो सिर्फ इतने ही टाइम मेरी डॉटर जो है वो डायपर यूज़ कर रही है, और मैं अभी उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही कि रात का भी डायपर हटाने के लिए। थोड़ा सा इस चीज़ में और परफेक्ट हो जाएगी फिर मैं उसका रात का भी डायपर हटा दूंगी। तो ये सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट मेथड है पॉटी ट्रेन करने का, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करनी। अगर बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाता है, अपने आप उसको आइडिया हो जाता है, तो बहुत सारे इस चीज़ के फ़ायदे हैं। बहुत सारे केमिकल से बच्चा बच सकता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं डायपर्स वगैरह में, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहेगा, क्लीन रहेगा, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। डॉक्टर को बिल्कुल भी डायपर दिन में पहनना अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने उसको डायपर पहनाया है कहीं बाहर जाने के लिए, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो डायपर खींचने लग जाती है कि हटाओ मुझे नहीं पहनना है। तो यस, अगर आप प्रॉपर एक सही तरीके से बच्चे को पॉटी ट्रेन करेंगे तो बच्चा 1 साल के अंदर 1 ही हफ्ते में आराम से सीख सकता है। 1 वीक के अंदर बच्चा आराम से पॉटी ट्रेन हो सकता है। तो आप ये सारे टिप्स अप्लाई करके देखिए, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे के ऊपर ये सारे टिप्स काम किए या नहीं। अगर काम किए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और भी ऐसे बहुत सारे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए।